वर्क आवर्स हमें अपना एक्सर्शन थ्रेशोल्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. इफ आई एम पुशिंग माई सेल्फ बियॉन्ड द लिमिट इवन इन द फेज व्हेन आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट्स रॉन्ग. हमको रेस्ट लेने का मतलब नहीं है कि यू जस्ट लेज अराउंड एंड यू सिट टू देम कन्फाइन टू योरसेल्फ टू अ बेड. रेस्ट का मतलब ये होता है कि फिजिकल मेंटल स्ट्रेन प्रोसेस से रेस्ट लेना. बिकॉज ये प्रोसेस में आपकी बॉडी टूटती है, हरारत होती है, वीकनेस होती है. सो उसको ओवरकम करने के लिए ही जब तक आपकी बॉडी से ये वायरसेस निकल नहीं जाते तो आपकी वीकेंड बॉडी को उतना स्टिमुलेट करने के लिए कि वो इसको पूरा झेल जाए, यू नीड टू टेक रेस्ट फ्रॉम द ओवरऑल स्टर्नस शेड्यूल ऑफ योर्स. Importance of staying hydrated in this environment, in this like right now जो weather हो रहा है उसमें कितना hydration important है. So अक्सर ऐसा बोलते हैं क्योंकि water जो है वो हमारी body के toxins को बहुत ज़्यादा flush करता है. जब हमारा पानी का intake कम है तो हमारी body में अक्सर dryness रहती है. So dry, आपका पूरा area of the mouth is very dry. So ऐसे में nose dry. So everywhere there is a dryness. So ऐसे में entry channels get very much activated. They get an easy passage. They go to the nose. They stick there for a while because उनको flush करने के लिए आपके body में moisture ही नहीं. So they keep trapped in and then they cause the local infections more. So hydration both will act as an immunity booster and flushing of the toxins and these infections from the body. Okay. मैम अगर precautions की बात की जाए तो like कौन से ऐसे precautions हैं जो individuals को लेने चाहिए to prevent this? So, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक्स टू कोविड हमें वो न्यू नॉर्मल बिहेवियर समझाने के लिए. सो आजकल की जनता काफी इस बारे में बहुत ही अवेयर है एंड विजिलेंट है. लेकिन स्टिल अगर आप में से किसी को भी आपके नियर पास में आपकी फैमिली में अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स हैं जैसे कोल्ड कफ फ्लू खांसी बलगम छींकना तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं. अगर क्योंकि लाइक मैंने बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरस टू बी कंसिडर्ड है तो आप अपनी टेस्टिंग कराएं. कोविड के भी न्यू वेरिएंट्स आते रहते हैं तो उनकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है. अगर आपके घर में कोई बंदा है जो बीमार है या इसकी इम्यूनिटी कम है या ओल्ड पेशेंट्स के साथ आप घर रहते हैं तो आपको उनसे अलग होना होगा. आप पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करें. ओके मैम अभी जैसे वायरल फीवर है तो हर एक बीमारी को लेकर कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन सबके माइंड में होते हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है वायरल फीवर को लेकर भी जो आपको एड्रेस करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन है मेडिकेशन को लेकर. सो 92 even 98% ऑफ द वायरल फीवर डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट. दे आर वेरी सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर. 3 से 5 दिन में आएगा. आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे लोलो या पैरासिटामोल का गोली एंड साथ ही अपने आप को जैसे मैंने बताया हाइड्रेट एंड रेस्ट रखना विद द गुड फूड. एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन कंटिन्यूअसली दिन में 3 से 4 बार लोलो का लेना. आपका मेफ्ताल या पेन किलर्स का अननेसेसरली पॉपअप करना. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओकेजनल तौर पे लोगों को लगता है क्योंकि डेंगू का सीजन है तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ओवर यूसेज ऑफ आपका गोट मिल्क आपके पपीते के पत्ते इस तरीके की चीजों का गिलोय सीड्स का खाना. सो ओवर मेडिकेशन एंड सेल्फ मेडिकेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड कंसेप्शंस हैं जो कि वायरल फीवर के साथ. ओके मैम जैसे वायरल फीवर है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो मैं अभी आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहूंगी कि इसका ट्रीटमेंट दोनों का कैसे डिफर करता है और वायरल फीवर को लेकर भी क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है. सो वायरल ट्रीटमेंट का जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी 90% से अबव केसेस में हमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती. बट लाइक आई सेड देयर वर फ्यू वायरसेस जैसे कि फ्लू वायरस हमने बात किया व्हिच इज स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जिसका स्पेसिफिक एंटीवायरल है वो भी कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ही हम देते हैं. एवरीबॉडी इज नॉट इवन एन एलिजिबल कैंडिडेट. फॉर बैक्टीरियल की अगर बात करी जाए तो यूजुअली बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. सो वो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन एंटीवायरल्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन का मैंने जिक्र किया. सो इट्स एन एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इट इज नॉट फॉर द वायरल इन्फेक्शन. मैम अगर रेस्ट की बात करें तो आपने बताया कि 3-4 दिन अगर कोई भी इंसान अच्छे से अपना ख्याल रखे अगर रेस्ट करे अगर आइसोलेट रखे तो उसको जरूरत भी नहीं होगी कि दवाइयां खानी पड़े. तो रेस्ट का जो आपने रोल बताया है ये अगर हम कोई भी इंसान अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है लाइक लेजीनेस आ रही है फीवर हो रहा है तो हम रेस्ट करके भी इसको हम ओवरकम कर सकते हैं. मतलब रेस्ट का क्या रोल है? रेस्ट से ज्यादा आई वुड से ओवर फटीगेबिलिटी.
हमें अपने वर्क आवर्स, हमें अपना एक्सर्शन थ्रेशोल्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. इफ आई एम पुशिंग माई सेल्फ बियॉन्ड द लिमिट इवन इन द फेस व्हेन आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट्स रॉन्ग. हमको रेस्ट लेने का मतलब नहीं है कि यू जस्ट लेज अराउंड एंड यू सिट टू देम कन्फाइन टू योरसेल्फ टू अ बेड. रेस्ट का मतलब ये होता है कि फिजिकल मेंटल स्ट्रेन प्रोसेस से रेस्ट लेना, बिकॉज ये प्रोसेस में आपकी बॉडी टूटती है, हरारत होती है, वीकनेस होती है. सो उसको ओवरकम करने के लिए ही जब तक आपकी बॉडी से ये वायरसेस निकल नहीं जाते, तो आपकी वीकेंड बॉडी को उतना स्टिमुलेट करने के लिए कि वो इसको पूरा झेल जाए, यू नीड टू टेक रेस्ट फ्रॉम द ओवरऑल स्टर्नस शेड्यूल ऑफ रोज. ओके मैम, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम्स की हम बात करें जो हम जिससे कि हम लाइक प्रिवेंट तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही कि जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, वो क्या क्या होंगे एज कंपेयर्ड टू. सो जैसा कि हमने बताया कि एक अप्रोप्रिएट मात्रा में आपका फूड सबसे पहले, अ प्रॉपर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, सबसे ज्यादा जैसे मैंने बताया कि वाटर का कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉर्मल डाइट. प्रोटीन के लिए भी वी डोंट नीड टू स्विच टू प्रोटीन शेक्स और पाउडर्स, वी हैव अ वेरी नेचुरल कंटेंट इन फॉर्म ऑफ दाल, पनीर, चना एक्सेट्रा. मोर देन दैट विच इज रिक्वायर्ड इज द विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि आपको अमूमन तौर पर आपके नॉर्मल नट्स में, सीरियल्स में, फ्रूट्स में मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जैसे हम बात करते हैं कि डेली की हम लोग चाय पीते हैं, सो इफ वी हैव अ चाय तो बहुत ज्यादा उबाल के नहीं बट उसमें तुलसी अदरक यूज करके, दे आर द नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स ऑफ आवर. सिनेमन, कार्डमम, दे आर वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर अस. ओके मैम, मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली होगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि वायरल फीवर हर घर में है मुझे लगता है. मैम, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको प्लीज कुछ एडवाइस दीजिए. बिल्कुल, सो ये मौसम बदल रहा है, आप इसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, बट अपने आप को सेम टाइम पे प्रिकॉशनरी सेफ करके रखिए. वायरल फीवर जो है, नाम ही है कि ये वायरल है, हर घर में फैल रहा है, लेकिन इसको बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे को ना होना भी आपकी जिम्मेदारी है. तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ रहिए, हाइड्रेट करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू.